We are discussing about a chapter creating your own study system, and you will find and you will see this chapter on page 213 342. ठीक है, और इसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है द बेसिक सिस्टम, ये हम डिस्कस करेंगे, और जो अगला टॉपिक है डिवाइडिंग योर स्टडी सिस्टम, ये आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो लव्स स्टडी सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सिस्टम का लफ्ज जब भी आपके जहन में आएगा या आप सुनेंगे, तो आपके जहन में जो बात आनी चाहिए वो आनी चाहिए एक सीक्वेंस, एक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तरतीब, ऑर्डर या मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम किसी मैनेजमेंट को हम कहते हैं, सिस्टम कहते हैं किसी ऑर्डर को, किसी सीक्वेंस को, किसी प्रोसेस को, किसी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी को, इसका मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम लगा दें लफ्ज स्टडी, तो बात हो जाएगी स्टडी सिस्टम, यानी कैसे हम अपनी स्टडीज को मैनेज करें किसी प्रोसेस के जरिए, और कैसे हम अपनी स्टडी को मैनेज करें किसी ऑर्डर के जरिए, सीक्वेंस में हम कैसे पढ़ें, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारी स्टडी स्किल्स हैं उसको हम यूज करते हुए सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो स्टडी सिस्टम का मतलब होगा कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम रीडिंग करके कोई इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते। कोई भी ऐसा ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी तरीकेकार या ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम रीडिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते। देखें, बात यह है कि रीडिंग करना जर्नली कुछ और है, और रीडिंग करके उसमें से किसी इंफॉर्मेशन को निकाल लेना के बाद क्या कही जा रही है वो कुछ और है। यानी इसका मतलब है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दे आर रीडिंग बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड सम स्टूडेंट वी फाइंड के दे आर रीडिंग प्लस दे आर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज बीन सेट। तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी स्टडी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी या प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए हम बुक को पढ़कर इंफॉर्मेशन को अपने लिए हासिल कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टडी सिस्टम। दो किस्म के स्टूडेंट होते हैं ओवरऑल रीडिंग के हवाले से। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स, और एक को हम कहते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट्स। ठीक है, जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं और जो इनएक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लर्निंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वी कैन से कि स्टूडेंट्स आर आइदर प्रोएक्टिव और दे आर आइदर इनएक्टिव। देखते हैं कि प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स कौन हो। हर वो स्टूडेंट जो के अपनी स्टडीज के बारे में रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अपनी स्टडी के बारे में रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब यह है कि ही शुड नो व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट टास्क ही हैज टू डू इन व्हाट टाइमिंग, किस वक्त उसको क्या पढ़ना है और कौन सा काम उसको करना है। प्रोएक्टिव लर्नर वो होता है जो हमेशा पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, इनिशिएट लेता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं
ये फर्स्ट कीजिए कि एक क्लास रूम है और उस क्लास के अंदर लेक्चर शुरू होता है और उस क्लास में 50 स्टूडेंट मौजूद है। टीचर जब क्लास में आता है तो पहला सवाल ये करता है कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो उनमें से अगर कोई स्टूडेंट ये जवाब देता है कि हमने पिछली क्लास में ये चीजें पढ़ी थी और उसके साथ साथ जो हमने चीजें पढ़ी थी वो बुक में इस पेज पर मौजूद है, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पे मौजूद है और इन तमाम जो हमने डिस्कशन की थी उसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि उसने घर में इनिशिएट लिया, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसने ये जाना कि स्टडी कितनी जरूरी है। तो ही वॉज एन एक्टिव लर्नर, ठीक है, ठीक है जी। तो जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोएक्टिव एज आई टोल्ड यू रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिंग और फ्यूचर फोरसीइंग, यानी जो प्रिडिक्ट कर सकें अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी मुस्तकबिल की स्टडीज के बारे में और अपने आने वाले कल के बारे में, ठीक है। वैसे तो स्टडीज के बहुत से सिस्टम है लेकिन एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं SQ3R, बेसिक सिस्टम। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्टडी सिस्टम का मतलब क्या है, स्टडी सिस्टम का मतलब यह है कोई ऑर्डर, कोई मैनेजमेंट, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्रोसेस जिसके जरिए हम किताब से इंफॉर्मेशन हासिल कर सके रीडिंग करके, ठीक है। तो जो एक सबसे बेसिक सिस्टम कहलाया जाता है उसको हम कहते हैं SQ3R, ठीक है। SQ3R का मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, S का मतलब है सर्वे, Q का मतलब है क्वेश्चन और 3R का मतलब है रीडिंग, रिसाइट एंड रिव्यू। ये सबसे आसान, सबसे आजमाया हुआ और सबसे कामयाब सिस्टम, ठीक है। तो सबसे कामयाब सिस्टम कहलाता है SQ3R। इसका सबसे आसान, इसकी सबसे आसान मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि फर्श कीजिए कि आपकी पहली क्लास है और आप कॉलेज में पहले दिन जा रहे हैं, ठीक है। यकीनन कॉलेज में जाने से पहले जो ऑर्गेनाइज कॉलेजेस होते हैं वो आपको कोर्स आउटलाइन, सिलेबस, किताबें, ठीक है, टीचर्स का नाम, टीचर्स की क्वालिफिकेशन, टीचर रेफरेंस, सब कुछ एक ब्रोशर में दे देते हैं, ठीक है। अब आपकी पहली क्लास है फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट की, तो और आपके पास पहले से किताब मौजूद है, तो आप अपनी उस लेक्चर में जाने से पहले उस किताब का एक सरसरी सर्वे कर लेते हैं। सर्वे का मतलब है कि आप एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं उस किताब का, मसलन उसके उस किताब को खोल के देखते हैं कि उसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उसमें कितने पेजेस हैं और वो किताब कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है। तो जब आप किताब आपके हाथ में होती तो आप उसका एक सर्वे कर देते हैं। फिर क्योंकि आपकी पहली क्लास होती है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो किताब का पहला चैप्टर या जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, कि वो जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में, उसकी एक सरसरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि उस पूरे इंट्रोडक्शन को आप डिटेल में पढ़ लें, बल्कि उस किताब के इंट्रोडक्शन को इस तरह आप देखें जब आप क्लास में मौजूद हों तो टीचर पर ये इंप्रेशन डेवलप हो जाए कि ये बच्चा जो है प्रोएक्टिव लर्नर है और इसने इनिशिएट लिया है पढ़ने के लिए, इसलिए क्लास में बेहतर हो हाजिर दिमाग होकर जवाब भी दे रहा है और इसका मतलब है कि इसने किताब को सरसरी तौर पे देख कर आया। सो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर फॉर द स्टूडेंट्स। फिर सर्वे के साथ साथ दे मस्ट बी क्वेश्चंस, मतलब जब आप इंट्रोडक्शन खोल के पढ़ते हैं और सरसरी तौर पर देखते हैं तो आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं,
और अगर सवाल ना पैदा हो तो उन सवाल को क्रिएट किया जाए। मसलन सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फायदा क्या है, ठीक है, और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सब्जेक्ट हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट इंट्रोडक्शन, उसके जो भी कुछ दिया गया उसके हवाले से आपके जहन में पैदा होने वाले सवाल, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज सर्वे एंड क्वेश्चन। उसके बाद है 3 R, मीन्स यू मस्ट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है, मुताले की जो रीडिंग की जो हैबिट है आपको होनी चाहिए। और रीडिंग के 2 तरीकेकार जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, एक तरीका रीडिंग का है जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ रीडिंग, जिसको हम कहते हैं स्किम रीडिंग, और एक को हम कहते हैं स्कैन रीडिंग। स्कैन का लफ्ज निकला है स्कैनिंग से, और स्किम का लफ्ज निकला है कि थोड़ा थोड़ा देख कर। तो जो स्किम रीडिंग होती है उसमें आप सरसरी तौर पर लाइनों को देखते हैं और फिर पेज पलट के आगे चले जाते हैं। जो स्कैन रीडिंग होती है उसमें आप हर लफ्ज, हर जुमले, हर लाइन को डिटेल में पढ़ते, पूरे पेज में से किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ते और डिटेल में मुताला करते, ठीक है। तो रीडिंग की आपके पास अगर हैबिट होगी तो आपके लिए सिस्टम को, अपनी एजुकेशन को मैनेज करना और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव करना आसान तरीका काम हो जाएगा। देन वी हैव रिसाइट, ठीक है। रिसाइट का मतलब ये होता है कि आप आवाज से बुलंद रीड करें। एक तो ये होता है कि आप खामोशी रीड करें। जब आप अपने घर में चीज़ों को, अगर आपको याद हो कि बचपन में टीचर हमें, शायद आपको भी याद हो, टीचर हमें क्लास के अंदर, चौथी पांचवी क्लास के अंदर कहती थी कि फला स्टूडेंट जो है वो खड़ा हो जाए और वो चैप्टर नंबर 5 के पहले पैराग्राफ को पढ़े। तो हम क्या करते थे, पहले पैराग्राफ को रीड करना शुरू करते थे, ये नहीं कि जहन में बल्कि रीड अलाउड, तो उसको कहते हैं रिसाइट, ठीक है। और तीसरी चीज वो है रिव्यू, कि जो कुछ आप रीड कर रहे हैं उसको एक रिव्यू कर लें, एक मुख्तसर जायजा ले लें कि जो आपने समझा है वो किस हद तक आपने समझा है और उसमें समझने में आपके लिए कितनी आसानी मौजूद है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक सिस्टम। और आखिर में हमारे पास है डिवाइजिंग योर ओन स्टडी सिस्टम, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर को मैं आपकी बुक से रेफर करता हूँ और उसमें उन तमाम चीजों को देखते हैं जिसका अभी हमने जिक्र किया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज इन द बुक। ठीक है, यू कैन सी हियर, दिस इज द चैप्टर क्रिएटिंग योर स्टडी सिस्टम। और इसमें मैं जो अहम तरीन चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ वही आपको एग्जाम के हवाले से भी डिस्कस करनी है, तो आप उससे बच जाएंगे कि आप उसको झुकेलने पड़े, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि स्टडी सिस्टम क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लर्निंग स्ट्रेटेजी और प्रोसेस यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडिंग, ठीक है। यानी रीडिंग के जरिए जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करें उसको हम कहते हैं स्टडी सिस्टम, और जो सबसे कामयाब ट्रेनिंग सिस्टम उसको हम कहते हैं SQ3R, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया प्रोएक्टिव के बारे में, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब यह है टेकिंग इनिशिएटिव और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो स्टूडेंट्स इनिशिएटिव लेता है, इब्तदा करता है, आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां लेता है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसको ये पता होता है कि वो उसको क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या सवाल पूछना है, ठीक है। जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं, जो स्टूडेंट्स इनिशिएटिव होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनको किसी हद तक ये पता होता है कि आगे जाकर उनको क्या मसाइल पैदा होने वाले हैं, तो वो उससे निमटने के लिए अपने आप को तैयारी करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोएक्टिव स्टूडेंट की एक मिसाल यह है कि बहुत से स्टूडेंट जो ये समझ रहे हैं कि उनके एग्जामिनेशन नहीं होंगे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो प्रोएक्टिव स्टूडेंट नहीं है। वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए हैं और पढ़ने की कोशिश नहीं की है। वो ही समझ रहे हैं कि जिस तरह मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया अपनी क्लासों के अंदर, इसी तरह यूनिवर्सिटी
और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई इस बारे में नहीं सोच रहा हो प्रोएक्टिव नहीं, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई एग्जाम तो होने हैं या कोई ना कोई सिस्टम ऐसा आएगा कि जिससे आपको इस सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर में जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको पढ़ना या पास करना पड़ेगा, तो दे प्लान फॉर इट। वो फ्यूचर को देख रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि वो आपको बगैर किसी इम्तिहान दिए प्रमोट कर, ठीक है। तो दिस इज देयर प्रोएक्टिव थिंकिंग, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट यहाँ पे बताया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है रिएक्टिव स्टेटमेंट और प्रोएक्टिव स्टेटमेंट के बारे में। यानी वो स्टूडेंट जो कि रिएक्टिव होते हैं उनकी क्या सोच होती है, और वो स्टूडेंट जो कि प्रोएक्टिव होते हैं उनकी क्या सोच होती है। गौर कीजिएगा और हम उसको डिस्कस करते हैं। जो रिएक्टिव स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी। उनसे कहा जाए कि भाई तुमने पढ़ा, वो कहते हैं कि नहीं, घर में मसरूफियात थी और उनको टाइम नहीं मिला और बिजी थे और घर के काम थे और मसाइल एंड सो ऑन, 1 लाख मसाइल वो गिना देते। ऐसे स्टूडेंट होते हैं रिएक्टिव, दे कैन नॉट लर्न। प्रोएक्टिव स्टेटमेंट या प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो कहते हैं कि आई कैन मेक टाइम फॉर स्टडी, कि मैं चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पढ़ने के लिए टाइम निकालूँ, कि मैंने पढ़ने के लिए टाइम को मैनेज किया है। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। रिएक्टिव स्टेटमेंट ये होती है, या रिएक्टिव स्टेटमेंट होते हैं आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना होगा, ठीक है। जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं आई कैन चूज वेदर व्हेन एंड हाउ टू स्टडी, कि मुझे पता है, मैं ये जानता हूं कि मुझे कब और कितना पढ़ना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। जो रिएक्टिव स्टेटमेंट होती है उसमें कहते हैं आई मस्ट पास दिस टेस्ट, मुझे लाजमी टेस्ट पास करना है, ये रिएक्टिव स्टेटमेंट। और जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स या उनकी स्टेटमेंट वो क्या होती है, आई विल स्टडी एंड डू माई बेस्ट टू पास दिस टेस्ट। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, भाई मैं स्टडी करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस एग्जाम को पास करूंगा, ठीक है। ये जो रिएक्टिव स्टेटमेंट आप देख रहे हैं आई मस्ट पास द टेस्ट, इसमें कहीं स्टडी का जिक्र नहीं है और कहीं आपकी एफर्ट नजर नहीं आ रही। अब मस्ट पास द टेस्ट का मतलब है कि मुझे नकल करनी है, मुझे चीटिंग करनी है, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत देख लें और पास हो जाए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे स्टूडेंट अप्रोचेबल नहीं होते। फिर देखते हैं आप रिएक्टिव स्टूडेंट, आई एम जस्ट नॉट गुड एट मैथ, वो अपनी हार को तस्लीम कर लेते हैं, भाई मैं मैथ्स के अंदर जो हूँ वो अच्छा नहीं हूँ। इसका मतलब है कि वो अपनी कमजोरी को कमजोरी समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू टेक शो देयर एफर्ट्स। जबकि जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि आई कैन इम्प्रूव माई मैथ स्किल्स। ये कहना है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, ये रिएक्टिव स्टेटमेंट, यानी इमोशनल स्टेटमेंट। इमोशनल स्टूडेंट हमेशा ऐसी बातें करते हैं, और जो समझदार और अकलमंद स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि आई कैन इम्प्रूव माई मैथ स्किल्स, अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, अपनी कमजोरी को मानते हैं और अपनी कमजोरी को इम्प्रूव करते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ये भी आपके इमोशनल स्टेटमेंट है, ये भी इमोशनल स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट है। जबकि जो प्रोएक्टिव या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनकी स्टेटमेंट क्या होती है, आई विल यूज अ स्टडी सिस्टम टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, मैं कोशिश करूंगा ये इस चैप्टर को समझने के लिए एक सिस्टम बनाऊंगा, एक प्लान करूंगा कैसे इसको समझना है, कैसे रीड करना है, कैसे लोगों से मदद करनी है, ताकि मेरे लिए आसान हो। देन जो रिएक्टिव स्टूडेंट कहते हैं कि माई इंस्ट्रक्टर गेव मी बी ऑन द टेस्ट, ठीक है। जरा जुमले गौर कीजिएगा, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बी ग्रेड दिया है टेस्ट के अंदर। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें क्या है, आई अर्न अ बी ऑन द टेस्ट। इन दोनों स्टेटमेंट में जरा फर्क करके मुझे लिख के बता दें आप सब, मैं वेट कर रहा हूं कि जो दो आखिर स्टेटमेंट है इनकी अप्रोच में क्या फर्क है। एक कह रहा है कि माई इंस्ट्रक्टर गेव मी
अ बी ऑन द टेस्ट और एक कह रहा है कि आई अर्न अ बी ऑन द टेस्ट. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट? कैन एनीवन क्लेरिफाई दिस? अच्छा, पहले में क्या किया जा रहा है? ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में इंस्ट्रक्टर ब्लेम किया जा रहा है. हम ना कह रही हैं कि मेरे टीचर ने मुझे बी दिया है टेस्ट में, टीचर को बोला जा रहा है. और सेकंड में मैंने को, ठीक है, गुड. ओके, गुड. तो मुझे कुछ आंसर्स मिले हैं इंटरेस्टिंग. इसको मैं और थोड़ा सा आसान कर दूं. माय इंस्ट्रक्टर गेव मी अ बी ऑन द टेस्ट. इसका मतलब है कि मुझे मेरे टीचर ने धक्का दे के पास कर दिया, मैं इस काबिल नहीं था. ठीक है, तो जो बी आपने अर्न, जो बी आपने हासिल किया उसमें आपकी एफर्ट नहीं है. वो टीचर ने कहा चलो ठीक है, इसको पास कर. दूसरा जुमला, आई अर्न, मैंने मेहनत से बी ग्रेड हासिल. यानी इसमें टीचर का सिर्फ इतना ही किरदार है कि उसने मेरी कॉपी को चेक किया और मेरी कॉपी को चेक करने के बाद जो मेरा ग्रेड बना वो बी ही बन सकता था. तो मेरी एफर्ट बी ग्रेड ही की थी, जबकि उसमें जो है उसमें टीचर ने उस स्टूडेंट को अप्रोच किया, उसको पता है कि इसको कुछ नहीं आता, इसको बी ग्रेड कर दो ताकि इसके कुछ ना कुछ सी जी पी बेहतर हो जाए. और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसमें लर्निंग अप्रोच है. जितना मैंने पढ़ा उतना मुझे उसका बी ग्रेड मिलता. इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्टेटमेंट. तो हमें रिएक्टिव स्टूडेंट नहीं बनना है, हमें प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स बनना है, हमें अपनी एफर्ट्स को शो करना है और हमें ये बताना है कि हम कितने ज्यादा एफर्ट शो करते हैं अपनी लर्निंग का. रिएक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं इमोशनल, इरिस्पॉन्सिबल, फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट नहीं करते, प्लान नहीं करते, स्ट्रेटजी नहीं बनाते, उनके पास कोई स्टडी सिस्टम नहीं होता और वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं अपने टीचर्स पर और दोस्तों पर. जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वो किताबों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी सक्सेस को इम्प्रूव करते हैं और वो अपने इर्द गिर्द को इम्प्रूव करके अपनी स्टडी में सक्सेस हासिल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज the difference between reactive student and proactive student. Reactive student को दोबारा समझ लें, reactive student वो होते हैं जो कि emotional होते हैं. ठीक है, यानी जुबानी जमा खर्च, मैं ये कर लूंगा, मैं इतना कर लूंगा, इतना सॉल्व कर लूंगा, इतना पढ़ लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, इन द एंड नथिंग. प्रोएक्टिव स्टूडेंट कभी ऐसा दावा नहीं करते कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो उनको आता है वो उसी के बारे में बात कर सकें और अपनी एफर्ट्स को उतने ही शो कर सके जितना उनको आ. अच्छा, अभी हमने देखा था एसपीओआर सिस्टम, जिसको हम बेसिक सिस्टम कहते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी शेयर किया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने राइट साइड पे इसकी एक डिटेल डेफिनेशन मौजूद है जो मैंने आपको शेयर की थी कि एसपीओआर इज एन एक्रोनिम That stands for survey, question, read, decide. ठीक है, ये एक स्टडी सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एक्टिव लर्निंग के अंदर. एक्टिव लर्निंग हम प्रोएक्टिव लर्निंग को कहते हैं. ठीक है, तो जो भी इनिशिएटिव लेता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमेशा SQ3R को अप्लाई करता है अपनी लर्निंग के. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि SQR सिस्टम के अंदर जो S है वो जाता है सर्वे के लिए. ठीक है, सर्वे का मतलब ये कि भाई जैसे मैंने आपसे मिसाल दी थी कि भाई जो भी आप जिस कोर्स में एंटर हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में भी आप जा रहे हैं, तो उस किताब का एक ब्रीफ सर्वे आपको करना चाहिए कि भाई ये किताब किस चीज़ के मुताबिक है, इस किताब में है क्या. जैसे हमारी किताब है कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, तो अब इस कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को देखकर अगर आप ये सर्वे करें
और सरसरी तौर पर उस किताब को देख खोलकर देखते या देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि इस किताब में क्या कहा जा रहा है या क्या लिखा गया है। अगर ये इंसाइट आपकी डेवलप हो जाए कि क्या कहा जा रहा है और क्या लिखा गया है तो अगली क्लासेस आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो सर्वे हमें करना है, सर्वे करना है बुक्स का और उसके चैप्टर्स का। सर्वे का मतलब ये नहीं होता कि आप उन पूरे चैप्टर्स को बुक को एक ही गो में एक ही रफ्तार में पढ़ के खत्म कर दें। ठीक है, आपके पास एक किताब आई और उस किताब को आपने खोला, उसमें आपने देखा कंटेंट्स क्या है, फिर हर चैप्टर का पेज नंबर लिखा है, उसमें आप गए एक सर्सरी देखा कि भाई चैप्टर किस चीज़ के मुताबिक, उसका नाम क्या है। अगर आपको उस किताब के बारे में पहली दफा 2% भी पता चल जाए कि ये किताब किस के बारे में, तो आपकी जो क्लासेस हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, वो आसान हो सकती है। सो वी मस्ट सर्वे बुक्स एंड चैप्टर्स। ठीक है, अब ये कुछ सवालात हैं जो जिसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, आर यू यूजिंग योर टेक्स्ट बुक एफिशिएंटली, क्या आप अपनी बुक को एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बुक जो आपको दी गई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, खासतौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, तो क्या आप इस बुक को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है और आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ, जो किताब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, मसलन कॉलम ए के अंदर टाइटल पेज है, कॉपीराइट पेज है, कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, ग्लॉसरी है, इंडेक्स है, अपेंडिक्स है, बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, क्या आपको पता है कि टाइटल पेज क्या होता है? क्या आपको ये पता है कि कॉपीराइट पेज क्या होता है, कहां पे होता है? क्या आपको ये पता है कंटेंट पेज क्या होता है? डू यू नो कि इंट्रोडक्शन पेज कहाँ होता है, ग्लॉसरी क्या होती है, इंडेक्स क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ठीक है, अगर आपको इन तमाम चीजों के बारे में पता है, इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना जानते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप देखिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक के बारे में क्या। अब सवाल ये कि टेक्स्ट बुक का सर्वे कैसे किया जाए, टेक्स्ट बुक को पढ़ा कैसे जाए। लेकिन टेक्स्ट बुक कोई भी किताब हो, उसके सर्वे करने का जो तरीकेकार है वो तो बहुत सिंपल है। सर्वे का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको जो चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट है, वो आपको देखना चाहिए। बहुत सी जो किताबें अच्छी पब्लिश हुई होती हैं, उनमें ये होता है कि हर चैप्टर के आखिर में आधा पेज या एक पैराग्राफ दिया जाता है उस चैप्टर की समरी के बारे में। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि आप पहले ही शुरू में ही हर चैप्टर को एक एक लफ्ज एक एक पेज पढ़ लें, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उस चैप्टर के आखिर में जाएं और आखिर में उस चैप्टर की समरी दी होती है जो कि 5-6 लाइन की होती है या 10 लाइन की। तो अगर आप पहले से ही क्लास में किसी भी चैप्टर को सर्वे करके आते हैं या उसकी समरी पढ़ के आते हैं, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, तो आप कम से कम क्लास के अंदर पार्टिसिपेट ही हो सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको सर्वे करना चाहिए हर चैप्टर की समरी का और हर चैप्टर में मौजूद जो उसके कंटेंट हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है क्वेश्चन की। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, हम हमारी आदत ये कि हम रीड अगर करते भी हैं, वैसे तो करते नहीं हैं, अगर रीड करते भी हैं तो हम सिर्फ रीड ही करते हैं और रीड करते हुए अपने जहन में कुछ सवाल पैदा नहीं करते, कुछ सवाल नहीं उठा। ठीक है,
तो यहाँ पे सजेस्ट आपसे किया जा रहा है कि जब भी आप किसी मटेरियल को रीड करें तो व्हाइल यू आर रीडिंग इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन रेज क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे इस लाइन में राइटर ये क्यों कह रहा है, ये बात क्यों लिखी, और पेंसिल से उस जगह आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है, यहाँ पर वो ये स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा है, मिसाल के तौर पर वहां पे ये वो ये क्यों कह रहा है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा भाई प्रोएक्टिव थिंकिंग क्या होती है, रिएक्टिव क्या होती है, तो आप वहां पर क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई रिएक्टिव थिंकिंग क्यों नहीं, इमोशनल थिंकिंग क्यों मना कर रहा है। व्हेन यू रेज दिस क्वेश्चन आपको उसी बात का जवाब अगले लाइंस में अगले पेज में मिलना शुरू हो जाएगा जो कि उसने पहले से लिख दिया। राइटर या ऑथर क्या करता है, जब कुछ लिख रहा होता है तो उस अपने जहन में पहले सवाल लेके आता है, उन सवालात को लाने के बाद वो अपने पूरे चैप्टर को पूरे टेक्स्ट को डिस्कवर करता है। तो आपके काम होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए जब आप रीड करते हैं। अच्छा, जो जो टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो आपको एक्चुअली वही आप एग्जाम का हिस्सा है, ठीक है। रीड एक्टिविटी, अब थ्री आर की हम बात कर रहे हैं, तो हमने सर्वे की बात कर ली और हमने जो क्वेश्चंस की बात कर ली, जब आप रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन उठाए हम, जो नेक्स्ट बात हमारी है वो है रीड एक्टिविटी। रीड एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपके लिए जरूरी हो कि आप फोकस्ड हो, आप प्लान हो, यानी आपको ये पता है कि रीडिंग के दौरान आपकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, और जो भी आप टाइम दे रहे हैं रीडिंग के लिए 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा उसमें आप एक्टिव होकर पढ़े, ठीक है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आप रीड कर रहे होंगे तो रीड करते वक्त की पॉसिबिलिटी कि कुछ वोकैबुलरी ऐसी भी आ जाए जिसको आप जानते ना हो, जिसके मायने नहीं पता हो, अब या तो उसको स्किप करके आगे चले जाएं और या फिर उस वोकैबुलरी के मीनिंग को ढूंढने के लिए आप डिक्शनरी में जाएं। अगर आप उसको इग्नोर करके आगे चले जाएंगे तो आपको अगली और पिछली बातों में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप कुछ देर के लिए पॉज हो जाएं और डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट कर लें तो आपको पूरी लाइन हो सकती है, पूरा पैराग्राफ समझ आए। तो रीड एक्टिविटी का मतलब है कि जहां पे आपको प्रॉब्लम महसूस हो वोकैबुलरी के हवाले से वहां पे आपको उन वर्ड्स को स्किप नहीं करना है बल्कि उनके मीनिंग को डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है, लिख लेना है और फिर रीडिंग को कंटिन्यू करना। रिसाइट टू फोकस एंड रिकॉर्ड, ठीक है। रिसाइट के जैसे मैंने आपको बताया था कि बाबा से बुलंद दोहराना, ठीक है, बार बार रिपीट करना ताकि जब आप अपनी आवाज बार बार सुनते हैं तो आपकी जो आवाज है वो सेव हो जाती है अपनी मेमोरी सिस्टम में और फिर ईको हो जाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे आप गाने गाते हैं या सुनते हैं या जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो कैसे वो एडवर्टीजमेंट आपके जहन के अंदर सेव हो जाता है, और कभी कभी उन एडवर्टीजमेंट गाने को देख के बगैर भी आप ईको करके याद कर लेते हैं और फिर गाते भी हैं और सुनाते भी हैं। बिल्कुल इसी तरह रीडिंग के लिए भी जरूरी है कि आपको इतनी आवाज में रीड करना चाहिए कि जैसे इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ ये हमारी रीडिंग का स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पूरे मोहल्ले को जगा दें कि मैं रीड कर रहा हूँ, नो, इट सिंपली मीन्स दैट कि इतनी हो कि आपको अपनी आवाज आ सके, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो फोकस हो आपका ताकि वो चीजें आपके जहन में रिकॉर्ड हो जाए, सेव हो जाए। अच्छा, फिर हमारे पास है रिव्यू। रिव्यू का मतलब है दोहराना, ठीक है। जब आप रीड कर लेते हैं तो आप रीड करने के बाद आप या तो उसको लिख लें या उसको किसी को बता दें, ठीक है। जब आप रीड कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं
तो अगला मरहला आता है किसी को बताने का। या तो आप उसको लिख लें या फिर किसी को समझा दें कि मैंने ये समझा है, ये बताओ कि ये सही है गलत है। इससे ये होता है कि वो चीज और मेमोराइज हो जाती है और आपकी मेमोरी के अंदर सेव रहती है, और जब भी आप उसको